हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम इन प्रीवियस लेक्चर यू वी विल डिस्क अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेज है न कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे, बारे में हमने पढ़ा था एंड नाउ आई एम रिकॉलिंग द फ्रिक्शन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स ये कौन सी फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था रिकॉल फ्रॉम रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस जैसे आप अपने एक्सपीरियंस uh, में देखा होगा अ बॉल रोलिंग अलोंग ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट मतलब कोई बॉल मूव कर रही है किसी ग्राउंड पर ग्राउंड पर और वो उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है एंड वैन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइस्किल जब हम बाइस्किल चलाते हैं और जब बाइस्किल की पैडलिंग को रोक देते हैं तो इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप अल्टीमेटली क्या होता है स्टॉप हो जाता है अनदर थिंग अ कार और अ स्कूटर आल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट इंजन इज स्विच ऑफ अगर हम किसी कार या स्कूटर के इंजन को ऑफ कर देते हैं तो फाइनली क्या होता है आफ्टर सम टाइम इट विल कम इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट लाइक वाइज कि पानी में कोई बोट uh, बोटर अपने हाथ से uh, चला रहा है या रोइंग कर रहा है कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस. तो आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं मुझे मैसेज uh, करके बट दो uh, तो जो फंडा है इसका मीन्स जो uh, इसके पीछे जो सारी जो एक्सपीरियंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन ऑल द सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम और फिर भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है विदाउट एनी फोर्सेज देन वट कज़ अ चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन ऐसी क्या चीज़ लग रही है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है यानी क्या कोई force लग, लग सकती है या लगी उनमें तो कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस द फोर्स रिस्पॉन्सिबल चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी दो <coughs> जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बाइस्किल्स के बोट के कार के स्कूटर के वो फ्रिक्शन की वजह से जब हमने उनका इंजन बंद किया या कार को आ, या बोट को चलाना बंद किया या उनका इंजन स्विच कि, ऑफ कि, किया आइदर वी स्टॉप द पैडलिंग ऑल्सो इन अ बाइस्किल द अल्टीमेटली वॉट द इट इज द फोर्स ऑफ अगेंस्ट द मोशन ये ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसिंग करें तो ये वो फोर्स है जो को बोट ब्रिंग इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग अगर आपने आ, बोट रो रोइंग करना बंद की, आ, कर दिया तो क्या होगा अल्टीमेटली इट विल स्टॉप ड्यू टू अपोजिशन ऑफ फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन मीन्स एक लिक्विड वाटर भी एक फ्रिक्शन लगाता है सिमिलरली एक ग्राउंड भी फ्रिक्शन लगाता है जैसे बॉल अल्टीमेटली रुकती है तो बॉल किसके कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के. के. के ऐसे ही बाइस्किल की जो टायर्स है किसके कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के मीन्स रोड के ऐसे ही कार्स के एंड स्कूटर्स के जैसे ही हमने उसका मीन्स एक्सटर्नल फोर्स हमने किया एक्सेलरेशन हमने या पैडलिंग बंद कर दी या uh, उसका जो रोविंग बंद कर दी तो वो इट uh, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगती है इट एक्ट्स ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स में ये लगती है और उसका जो

यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन चैप्टर ट्वेल्व जो आने वाला फोर्थ कमिंग चैप्टर है ट्वेल्व इसके बारे में हम ब्रीफली uh, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंगस इज फोर्स ऑन एंड ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट आपको जान के हैरानी होगी कि ये फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेक्ट सर्फिस में लगती है ओके सो नॉन कॉन्टेक्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज दैट फोर्स विच इज नॉट फिजिकली टच मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच नहीं हो रही है फिर भी एक फोर्स uh, लग रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स है uh, force, ना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ओके देन ये एक्टिविटी है 11.6 uh, हमने इसमें क्या लिया है uh, एक बार मैग्नेट है विच हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर आप इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि हमने इस पर एक बार मैग्नेट को थ्री पेंसिल्स के ऊपर जो कि रोल करेंगी जैसे टायर का काम है रोल करना तो इट इज़ सिमिलरली कि जब हम दूसरी बार मैग्नेट इसके सामने प्लेस करेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल यानी अनलाइक पोल्स एट्रैक्ट ईच अदर यानी मैग्नेट क्या करेगी दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्टेड फोर्सेस एंड द एक्टिविटी शोज कि आप देख भी रहे होंगे कि विदाउट एनी फिजिकल टच और आपने देखा भी होगा कभी मैग्नेट से खेले भी होंगे आप तो आपने देखा होगा कि बैटरी मैगनेट अट्रैक्ट द आयरन पीसेस है ना निकल्स और छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है Okay, so uh, this is for all for today's lecture, uh, and uh, thank you very much.